मुझे सी वाई पी वन का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सो क्या गिवन है हमें कि 3 क्यूब्स हैं, उनकी जो साइड है 5 सेंटीमीटर है और वो एंड टू एंड जॉइन किए हुए हैं। ठीक है, सो एक की साइड कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, सेकंड की 5, थर्ड की 5। तो इनको जो ऐड करके रिजल्टेंट बना वो क्या बना है, क्यूबॉइड बना है। उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या हो गया, अब देखो ये 5, ये 5, ये 5, सो लेंथ तो क्या होगी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हाइट है वो भी हमारी क्या रहेगी 5, ब्रेड्थ भी 5 और ये भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो जस्ट हमारे डिफरेंस किस में आया, लेंथ में आया। सो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द सरफेस एरिया लिखा हुआ है, जहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पर सरफेस एरिया सिंगल लिखा होगा तो इट मींस टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, 2 LB BH + HL। दैट इज एल बी क्या हमारे लिए एल है 15 एंड बी इज 5 + 5 × 5 + 5 × 15 2 75 + 25 + 75। तो कितना हो जाएगा, 2 × 175 = 350 cm². तो ये क्या आपका रिजल्टेंट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड आपका बना था उसका क्या निकल के आ गया, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द साइड ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक क्यूब इज 50 सेंटीमीटर। गिवन है हमें, सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ, द साइड ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक क्यूब इज 50 सेंटीमीटर, द क्यूब इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 8000 इक्वल सॉलिड क्यूबिकल डाइस, डिटरमाइन द साइड ऑफ द डाइस। सो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक क्यूब इज 50 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। क्लियर? अब इसको मेल्ट करके, मेल्ट किसको करेंगे, क्योंकि जिसका वॉल्यूम होगा उसी को मेल्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक क्यूब क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर³, दैट इज 50 × 50 × 50 cm³। कितना हो गया, 5 × 5 = 25 एंड दिस इज 1 × 5 और आगे कितने आ जाएंगे, 3 × 0 cm³। नाउ एंड द क्यूब इज मेल्टेड, नाउ क्यूब इज मेल्टेड इंटू 8000 रिकास्ट इक्वल इक्वल क्यूब। इसको हमने मेल्ट किया और इक्वल किस में कर दिया, 8000। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द साइड, हमने क्या कर लिया, ए सेंटीमीटर हमने साइड लेट कर लिया, किसके लिए, जो रिकास्ट किया हमने उसके लिए। तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 8000 दैट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इसके दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड मेटेलिक क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8000 इक्वल क्यूब्स, जो रिकास्ट की थी उसके लिए है ये,
125000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8000 मल्टीप्लाई ए क्यूब। क्लियर, 1 2 3 1 2 3। सो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। सो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या जाएगा, 125/8। अब हमने क्या निकाले हैं, ए इज इक्वल टू 125/8 एंड दैट इज क्यूब रूट। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2। सो जो साइड आई है हमारे पास में वो क्या आई है, 2.25 सेंटीमीटर। सो जो न्यू रिकास्ट की थी हमने 8000 क्यूब्स, उसकी साइड क्या गई, 2.25। सो ये आपको ध्यान रखना है, मेल्ट हम किसको कब कर सकते हैं, जब उस किसी भी थिंग का वॉल्यूम होगा हमारे पास में वही चीज़ मेल्ट हो पाएगी। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकाला सबसे पहले हमने, उसको फिर मेल्ट किया किसमें, इनटू 8000 रिकास्ट क्यूबिकल इक्वल थे, सबसे पहले उसकी लेट कर ली साइड हमने। सो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 8000 से। क्लियर, और किसके इक्वल रखा, क्योंकि वॉल्यूम तो इक्वल आने वाला है, इसी को मेल्ट करके तो 8000 में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो गया। सो वहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, साइड फाइंड आउट कर लिया। सो लिखेंगे हम साइड ऑफ न्यू क्यूबिकल डाइज इज 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।